utilization. Hello guys. और देखो मैं खा रही हूँ पपाया पपीता, और यहाँ पर पपीता भी मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है पर मिलता है। एंड वेलकम बैक टू दीपक एंड सुरभि व्लॉग। छोड़ने वाले हैं, और पिछले कुछ वीडियोस में बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि हम घर छोड़ रहे हैं, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो घर के पास रहते हैं और जिनसे मैं लैंग्वेज स्कूल में मिली, दीपक की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जो बंदा है वो यहीं का है, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पर। और मेरी एक जो फ्रेंड है वो मुझे लैंग्वेज स्कूल में मिली थी, तो हम लोग ने सोचा कि जाने से पहले, वो लोग घर के पास ही रहते हैं, तो उनको बुलाया जाए डिनर के लिए। तो आज का प्लान वही है, और क्या बना रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि नवरात्रि हैं, तो नवरात्रि पहले तो हम दोनों भूल गए थे कि नवरात्रि है, और अब याद आया, तो इसीलिए मैं तो वेजिटेरियन हूँ, दीपक चिकन खा लेता है, तो हमने सोचा कि आज उन लोगों को भी वेजिटेरियन ही बना के खिलाएं। तो प्रॉपर, मतलब अगर वो लोग बोलेंगे भी तो भी हम यही बोलेंगे कि भाई हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और इस वजह से इस वैसे वो क्यों बोलेंगे, उनको तो अच्छा लगता है वैसे। तो आज का मेन्यू क्या है, मेन्यू है छोले, जो मैं आपको स्पाइसी कम बनाऊंगी, क्योंकि पता नहीं हम लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं। राइस, क्योंकि मतलब किचन इतना छोटा है कि जब रोटी बनाते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है वहाँ पर। और आलू की सब्जी और रायता, मतलब प्रॉपर जो हमारा खाना होता है वैसा वाला। हाँ, तो हम लोग आज उसी में बिजी रहेंगे, और हो सकेगा तो उन लोगों से भी मिलवाएंगे। और आज बिल्कुल वैसा वाला दिन है, संडे है, संडे के दिन एकदम घर पे हैं, चिल कर रहे हैं, खाना बनाते रहेंगे, दीपक मैच देख रहा है। मैं तो थोड़ी देर सो गई थी, देखते हैं दीपक क्या कर रहा है। तुम तो जाग रही हो। हम तो जागते ही रहते हैं, हमारे जो जो गेस्ट आ रहे हैं वो कहाँ रहते हैं दीपक, यहाँ से बताना जरा। सामने वाले मतलब यहाँ से उड़ के भी जा सकते, यहीं से बुला लेंगे, ए आ जाओ खाना बन गया, आ जाओ आ जाओ, आज मोला खिलाऊंगी आज मैंने। ये देख कब से पोछा लगा। गरीब लोग है ना। और अभी सब मुझे इतना बोल रहे होंगे, लड़की देखो लेटी हुई है। बनाई है झूठी। ये चाय मैंने ही, झूठ है, चाय से पूछ लो चाय बता, मैंने बनाई है ना। हाँ हाँ बोल ले। Are you ready? अपन तो बन गए बाबूजी। अभी ऐसा की बन के घूम रहा था। अब मेहमान आए। और अब देखो कितना अच्छा रेडी हो गया, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मैं ज्यादा नहीं रेडी हो रही, यहीं से तो आ रही इधर से। ये देखो दीपक ने तो घड़ी भी पहन ली। राजा बाबू हूँ मैं, राजा बच्चा। चलो थोड़ा वॉक करो वहां से यहाँ। रेडी वन टू थ्री या ढिंग डिडे। चिढ़ा रही हूँ ऐसे। ये देखो हमारी आलू की सब्जी, छोले और राइस बाद में बनेंगे, और रायता सब बन गया है, और समोसे भी है। हाँ मैं अभी रख दूंगी ना समोसे, समोसे और फ्रेंच फ्राइज। और दीपक बैठा हुआ है, मैं देखो तैयार हो गया। और ये जब तो बोलो सच्चाई बताओ क्या? सच्चाई बताओ।
अभी फ्रेंड्स आने वाले हैं, पर जब भी मैं बुक पढ़ने की कोशिश करती हूँ मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है ये मोबाइल, ये लैपटॉप, वो टीवी, वो दीपक और सब सारी चीज़ें, और मैं बुक नहीं पढ़ पाती हूँ। दीपक, मैंने बुक पढ़ने की कोशिश करी पर मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, फोन, लैपटॉप, दूसरा फोन। हाँ, अरे यार मुझे इंटेलिजेंट इंसान बनना है, उसके लिए सब बोलते हैं। तुम्हें लगता है वो लोग टाइम पे आएंगे? आना तो चाहिए यार, जैसे जर्मन है तो देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है उनके टूथपेस्ट में नमक है? उनके मिट्टी के तेल में नमक है। जानने के लिए देखते रहिए मेरी नजर है खिड़की। क्या कर रहे हो? बोलो, जैसे वो गेट खोलेगा मैं उसे चार दूंगा। अच्छा, हिंदी नहीं आती है? हमारे इंडियन घरों में आती है सब्जी की, खाने की स्मेल। और ये कोई बड़ा भारी वेंटिलेटेड अपार्टमेंट तो है नहीं, तो इनको जैसे कुछ ना आ, जैसे घुसे भक्त से मुंह पे स्मेल ही ना आए। बजे मतलब 6 बजे बैल बज गए। हेलो, कम मतलब माइक चल रहा माइक तो बंद कर दो। तो क्या हो गया? कैरोलिना एंड माय हस्बैंड, यू नो। You know, right on the spot. So, Ben, 6 means 6, yeah? For Germans. 6 means 6. I told you 6 because we Indians, we normally... 6 means 6:30 in India. See, yeah, 6 means 6:30. That's what I was thinking, but no, I wasn't but... sure, you know, that Germany is a little... हमारे फ्रेंड्स चले गए और हम बस रख के सो रहे हैं। 11 बज गए, हमने 6 बजे बोला था, वो लोग 6 बजे तो आ गए, पर हमने 8 बजे का बोला था, पर हमारी बातें जो है वो ख़त्म ही नहीं हुई। और जब वो लोग जा रहे थे तो आपको जैसे बताया था सामने घर है, तो दीपक ने बोला भाई जब पहुंच जाओ, सेफली पहुंच जाओ तो मैसेज कर देना। तो वो लोग जैसे ही सेफली पहुंचे उन्होंने मैसेज कर दिया। खिड़की में से दिख रहा है इधर। बट स्टिल हमारा वो फर्ज है कि हमें बोलना, और वो लोग थोड़े शाई हैं कैमरे के सामने, इस वजह से उनको उनसे बात नहीं करवाई। पर उनको खाना बहुत अच्छा लगा, हमारे स्पाइसेस, पिकल विकल सब ट्राई कराए दीपक, है ना? दे लाइक इट। और अब हमारा भी सोने का टाइम हो गया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दीपक सुरभि व्लॉग्स, समोसा। और क्या करोगे यार, कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। और हमारे फ्रेंड्स कैसे लगे, और हमारे छोले कैसे लगे, और हमारी पार्टी जो हो चुकी है इसमें हमने आपको शामिल नहीं किया, कैसी लगी वो बताना। बाय बाय, टेक केयर।